हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आप सभी के काम आती है। सभी जैसे हम आपसे भी पूछते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या विद्यार्थी की क्या होती है कि हमें याद नहीं होता है, हम ठीक से चीजों को समझ नहीं पाते हैं, हम जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं, एकाग्रता में वृद्धि नहीं है, जब हम क्लास में खड़े भी होते हैं तो बोलने में असमर्थ होते हैं। तो इन सब के लिए हम क्या करें? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है? तो उसी समाधान को हल करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं और वही हमारा विषय है। उस विषय को हम लेकर चल रहे हैं। हमारा विषय है भ्रामरी प्राणायाम से हम अपनी एकाग्रता, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें योग को समझना होगा। योग अर्थात जीवन जीने की कला, किस तरह से जिए, उसी का एक भाग होता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है अपने आयाम का विस्तार करना, अर्थात अपने प्राणों के आयामों का बढ़ाना, विस्तार करना। यह यौगिक ग्रंथ में अष्टकुंभक के अंतर्गत लिया गया है, जिसके अंतर्गत जो भ्रामरी प्राणायाम है उसमें होता है भ्रमर के समान गुंजन करना। आइए एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल उसके बारे में बता दूं कि उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों की जो तर्जनी उंगली है उनको लेंगे और अपने कान में डाल देंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और भ्रमर के समान गुंजन करेंगे श्वास छोड़ते हुए। देखिए एक बार, धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। तो ये हुआ आपका भ्रामरी प्राणायाम करने की प्रोसेस। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इससे लाभ क्या होता है? तो इससे जब आप सभी करेंगे, इसको कितनी बार करना है? इसको 10 से 15 बार नियमित करना है, एक ही बैठक में आपको करना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा? तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, लंबे समय तक गुंजन करते हैं, तो जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें तरंगे एक्टिवेट होती है और सबसे ज्यादा हमारा पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। उससे क्या प्रभाव पड़ता है? उससे जो हमारी बीटा तरंगे जो निकल रही थी वो अल्फा तरंगों में कन्वर्ट होती है और उससे धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति होती है, एकाग्रता बढ़ती है, उससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि आत्मविश्वास ऐसी चीज है कि यदि आप विद्यार्थी सभी में आप में आ गई तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। तो आइए आप सभी इसको करेंगे, ऐसे आपसे आशा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।